Assalamu alaikum. Once again, welcome back in Sunsilk World Cup Cricket Hangama. It is presented by Panther Tyres, powered by Sparks Smartphones. Of course, shine with Sparks and brought to you by Zameen.com. Har pata hame pata hai. Mera naam kya hai? Please mujhe bata dijiye. Because you know, hamare ek dost ne kaha tha ki agar South Africa ke haath paon bandh diye jaye तब भी साउथ अफ्रीका ही जीतेगी। ज्यादती की थी आपने ये बात कह के। नहीं सलीम भाई, मैंने थोड़ी बात की। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी इंट्रोड्यूस यू हमारे द लेजेंडरी सलीम मलिक साहब एंड द लेजेंडरी अब्दुल रऊफ साहब। और ये जुमला जो मैंने आपको बताया है ये सलीम मलिक साहब ने कहा था। मैंने नहीं कहा। अच्छा जाते जाते कहा था मैंने इनसे। अच्छा मैं कह रहा हूं आप ये कहें यू टर्न मारे हो आप। आई एम नॉट गोइंग टू से दैट। अच्छा लेकिन आप ये देखिए, मैंने आपसे कहा था ये वर्ल्ड कप है। इस वर्ल्ड कप में जो जज्बात होते हैं किसी भी खिलाड़ी के किसी भी मुल्क से, वो यहां होते हैं और कोई टीम कुछ भी कर सकती है। और जब एक बात उन्होंने पॉइंट आउट की थी कि अगर ये मैच 50 ओवर से कम का होगा, वैसे तो हम 20 ओवर्स की बात कर रहे थे, इतने भी कम नहीं थे ओवर्स, लेकिन ये है कि नेदरलैंड्स हैज बीटन। क्या कहा था, कंप्लीट कर दें तो फिर नेदरलैंड्स के चांसेस हो सकते हैं। थैंक यू। हाँ हाँ, लेकिन जो असल बात थी वो ये थी कि अगर हाथ पांव बांध दिए जाए साउथ अफ्रीका के, तब भी साउथ अफ्रीका ही जीतेगी। मैं अभी उस पर कायम हूँ सर। नहीं सर, मुझे आप अगर अब भी उस पर कायम है तो फिर अल्लाह मालिक है। मुझे ये बताइए, हुआ क्या नेदरलैंड्स को आज, और सॉरी साउथ अफ्रीका को क्या हुआ? आपके सामने ही हुआ जो भी कुछ हुआ। मेरा ख्याल है मैं आपको एक चीज बताऊं, टेक्निकली मैं आपको एक चीज बताऊं कि क्या हुआ। हाँ देखें, मैं रऊफ को यही एक बात कह रहा था मैच शुरू होने से पहले। मैंने कहा कई दफा ना कैप्टन जो होता है ना मिस जज करता है पिच को देख के। हाँ अब इसको गौर से सुनिएगा उसमें क्या होता है कि जब ग्रीन विकेट होती है ना, तो जब बारिश हुई होती है तो थोड़ी सी सॉफ्ट होती है। उसमें होता क्या है कि जो कैप्टन होता है ना, वो समझता है कि आज मेरे फास्ट बॉलर जल्दी से आउट कर लेंगे। जैसे ही आज देखें उनका बॉल कैरी ही नहीं कर रहा था शुरू में, इसमें कोई शक नहीं, हम उसको जैसा भी रंग दे दें, उन्होंने बॉलिंग भी अच्छी नहीं की, इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने बहुत पीछे बॉलिंग की, शॉर्ट पिच बॉल किए। मगर उसमें होता क्या है कि आपका बॉल ना आपकी पेस वैसी नहीं आती शुरू में जिस तरह नॉर्मल विकेटों पे आती है, वो गीला विकेट होता है ना उसमें बन जाते हैं पैचेस। आज मुझे बताएं कि जिम्बाब्वे ने जो सेकंड इनिंग में बॉलिंग की है उसमें उनके पास कौन सी कस्तूरी आ गई थी कि सीम बॉल, वो सीम से नेदरलैंड के ये एक भी सीम से बॉल नहीं किया उन्होंने, क्रॉस द सीम बॉल पकड़ते रहे। बॉल ने वेरी किया, क्यों किया, कभी बॉल इवन बाउंस नहीं हुआ। अच्छा ये हमारे पास स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये वो झलकियां हैं जो साउथ अफ्रीकन इनिंग्स की हैं। उसमें देखें उसमें क्या हो रहा था कि बॉल वेरी कर रहा था। उस उन बॉलर का जो 120 से ऊपर। अच्छा लुक एट दैट, सलीम भाई थोड़ा सा मुझे इसके बारे में बताएं, ये जो सीधी सीधी बॉल्स पे बोल्ड हुए हैं, व्हाई इज इट, क्यों, वजह क्या है? देखें बॉल एक पेस पे नहीं आ रहा था ना। हाँ। कुछ तो शॉट भी उन्होंने बहुत हाँ। गंदी बुरी शॉट्स खेली, वेरी इररिस्पॉन्सिबल। हाँ अब बॉल जब वेरी करता है तो फिर अनइवन बाउंस में आप की एक्सपेक्टेशन से कई दफा बॉल नीचे रह जाता है, जैसे हाँ। आज कुछ हुआ। हालांकि हाँ। वो फ्रंट फुट पे खेलने वाले बॉल थे जो हम आपने डेमो करके भी हमने आपको बाद में दिखाना है। अच्छा वो हम आपको बताएंगे एग्जैक्टली। इनसे हमने कहा है, रिक्वेस्ट किया इनसे और इनसे कि क्या चीज गलत हुई, बॉलिंग में क्या गलतियां हुई, बॉलिंग के अंदर क्या चीज अच्छी थी, बैटिंग के अंदर क्या गलतियां हुई, बैटिंग में क्या चीज अच्छी थी, ये सारा अब हम डेमो के थ्रू भी बताएंगे। इसमें वो अभी कंप्लीट मेरा सवाल जवाब हुआ नहीं था। उसमें क्या होता है जब पैचेस बन जाते हैं ना, जब ड्राई होती है पिच, तो फिर जब आप बॉल फेंकते हैं ना तो फिर वो डबल पेस ही जाता है, क्योंकि वो थोड़ी सी हार्ड हुई होती है बॉल, या ऊपर निकल जाता है या वो नीचे रहता है। आज आप देखें क्रॉस द सीम, कौन सा बॉलर है जो क्रॉस द सीम पकड़ के, मैं इसमें तो मैं मानता हूं कि पेट पे बॉल लगेगा या उस पर स्लाई पे लग के थोड़ा सा करेगा, पर वो इस तरह नहीं होता कि वो बॉलर यहाँ बॉल को विकेट कीपर पकड़ा हो। वो सिर्फ उसी सूरत में होता है जब वो थोड़ी सी वो जो सॉफ्ट वो हार्ड होती है उसमें पढ़ के बॉल सीम करता है। तो मेरा ख्याल आज थोड़ा सा, एक तो उन्होंने लाइन बहुत अच्छी थी उनकी, उन्होंने प्रॉपर आगे बॉल किए, किसी ने शॉर्ट पिच बॉल नहीं किए। साउथ अफ्रीका ने जो बॉलिंग की है आई थिंक वो क्वेश्चनेबल है।
कि उन्होंने सारी शॉर्ट पिच बॉल की है आगे। मुझे तो लगता है बैटिंग भी बड़ी क्वेश्चनेबल है, सिर्फ बॉलिंग क्वेश्चनेबल नहीं है। और ये साउथ अफ्रीकन को और साउथ अफ्रीकन को वाकई सोचना चाहिए कि इसमें जो क्वेश्चनेबल चीज़ें हैं वो क्या हैं। गेम के अलावा भी बहुत सारी चीजें क्वेश्चनेबल हो सकती हैं। मैं एनीवे मैं कुछ नहीं बोल रहा, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट इट जस्ट मैं आई वाज हॉरिफाइड व्हेन आई वाज वाचिंग द मैच। आई वाज हॉरिफाइड, मतलब आप सीधा स्ट्रेट बैट के साथ फ्रंट फुट पे खेलें एंड यू शुड बी ऑल राइट। मगर एक चीज है साहर भाई, हाँ। इसमें कि आज के बाद हम ये नहीं कहेंगे ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरी पता है, ये उन तमाम लोगों की पता है जो कहते हैं कि जी यू कैन अंडर एस्ट, ये हमेशा से लगे दोनों लगे हुए ना, ये वीक टीम है, ये हल्की टीम है, है इसमें कोई शक नहीं है। इनके 10 मैच करवाए, 9 साउथ अफ्रीका जीतेगी, पर ये दिन हम एक चीज कहते थे क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। अच्छा लेकिन क्रिकेट हमने ये कभी नहीं कहा था कि ये ऐसा हो ही नहीं सकता, असल में क्रिकेट हुई हुई, हमने उसकी मिसालें भी दी थी इससे पहले ही हरा चुके हैं। और अभी पूछूंगा मैं आपसे और भी मिसालें पूछूंगा, लेकिन देखिए क्रिकेट की बात हो रही है, ये वर्ल्ड कप है, डू एंड डाई सिचुएशन है, ये कोई होम सीरीज नहीं है। क्रिकेट और वर्ल्ड कप एक ही चीज है, उसमें चेंज कुछ नहीं है, क्रिकेट वही है सारे। मुझे लगता है कि पैशन थोड़ा ज्यादा हो जाता है अगर इफ इट्स वर्ल्ड कप, मुझे लगता है कि थोड़ा पैशन, मैं उस हवाले से कह रहा था, वो तो सही है। आप मुझे इंतहाई जहनी कमजोर समझते हैं, ऐसा नहीं नहीं, मैं माफी माफी के साथ मैंने अंजुम का हाल देखा हुआ सर। देखिए मेरा ख्याल है कि फुली क्रेडिट देना चाहिए नेदरलैंड को, और हम उनसे क्रेडिट छीन नहीं सकते क्योंकि उन्होंने इस टूर्नामेंट की एक बेहतरीन मैच खेला और आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंस दी है उन्होंने बैटिंग में, बॉलिंग में और फील्डिंग में, और अगेंस्ट एक ऐसी टीम के जो इस वक्त इस टूर्नामेंट की सबसे नंबर वन टीम है, जिनकी बॉलिंग भी अच्छी है, जिनकी बैटिंग भी इनफॉर्म है और जिनकी फील्डिंग भी आउट क्लास है। नंबर वन टीम थी, मगर अभी भी मैं इनको रेट करता हूं कि बहुत अच्छी वापस ये कमबैक करेंगे। और ये जो नेदरलैंड है इसने फर्स्ट टाइम ये नहीं किया, ये पिछले 2 साल से बहुत अच्छे तरीके से इनका कंबिनेशन बना हुआ, मोमेंटम बना हुआ इनका। इन्होंने जो T20 वर्ल्ड कप हुआ ऑस्ट्रेलिया में, उसमें भी इन्होंने साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी थी, तो ये कोई ऐसा कोई सरप्राइजिंग डिफीट नहीं है साउथ अफ्रीका की, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड था कि अगर थोड़ा सा इनको लूज पोल दिया साउथ अफ्रीका ने तो ये डोमिनेट करेंगे, और उन्होंने किया। साउथ अफ्रीका ने दूसरी जाने बहुत ही ऑर्डिनरी क्रिकेट खेली, और अर्ली ऑन जिस तरह उन्होंने बॉलिंग किया, मेरा ख्याल है कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ट्रिबाडा, नगीडी और जॉनसन जैसे बॉलर्स जो कि 90 माइल से अबव बॉलर्स हैं, इस तरह की वेवर्ड बॉलिंग करेंगे। और उसके बाद इनके एक्स्ट्रास देखेंगे, 32 रन इन्होंने एक्स्ट्रा के रन दिए, और जो भी टीम एक्स्ट्रा के रन देती है इस टूर्नामेंट में, श्रीलंका ने पाकिस्तान के खिलाफ दिए मैच कंसीड किया, पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ दिया, उनको भी रिजल्ट भुगतना पड़ा, और अभी जो ये है इवन आज जो दिए एक्स्ट्रा रन साउथ अफ्रीका ने नेदरलैंड के खिलाफ, तो 32 रन अगर उसमें से निकाल दें 245 में, तो 209 रन बाकी बचते हैं जो कि चेजेबल थे साउथ अफ्रीका के लिए, बड़े आसान थे। मगर उसके बावजूद आप क्रेडिट इनसे वापस नहीं ले सकते नेदरलैंड से, बहुत इन्होंने एक आउट क्लास क्रिकेट खेली है और तीनों शोबों में आउट क्लास किया साउथ अफ्रीका। ऑल राइट जी, तो हियर इज द सिचुएशन एट द ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप, उसका जो चार्ट है वो ये है। इस तरह से अगर हम नीचे से देखना शुरू करें तो श्रीलंका इस वक्त 10वीं पोजीशन पे है, नेदरलैंड्स जो है अगर हमारे पास है तो वो लगा दें, नेदरलैंड्स जो है वो 9वीं पोजीशन पे है आज का मैच जीतने के बाद, ऑस्ट्रेलिया 8वीं पोजीशन पे, 7वीं पोजीशन पे है बांग्लादेश, 6ठी पोजीशन पे है अफगानिस्तान, 5वीं पोजीशन पे इंग्लैंड, पाकिस्तान की पोजीशन में कोई तब्दीली नहीं आई, पाकिस्तान स्टिल रिमेन्स एट 4, और साउथ अफ्रीका 3री पोजीशन पे, न्यूजीलैंड 2री और इंडिया है 1ली पोजीशन पे। दैट्स हाउ इट लुक्स टुडे, लेकिन कल ये चेंज भी हो सकता है। कैसे मतलब ये कल से मुराद हो सकते हैं, हाँ। मगर ये देखें हमने पहले भी ये कहा था कि ये कितना भी अच्छा खेले क्वालिफाई करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि अच्छी टीम को ये अपसेट कर सकते हैं, उनके लिए मुसीबत डाल सकते हैं, और भी जैसे कल अफगानिस्तान ने किया, अफगानिस्तान की मेरे ख्याल में उनकी बॉलिंग बहुत बेहतर है, स्पिन बॉलिंग जो किसी भी टीम को हम कह रहे थे कि 300 करेंगे, तो आज अगर इनको देखें तो इन्होंने भी ऑलमोस्ट 300 ही किया। देखिए अगर 50 ओवर्स होते तो ये 300 क्रॉस कर जाते, तो जो टीम 300 करेगी जिनको हम वीक टीम कहते हैं वो किसी भी अच्छी टीम को टफ टाइम देगी। दो क्वेश्चंस आप दोनों से मेरे हैं, एक वक्त वो था जब 83 रन पे 5 आउट थे इनके, पांच खिलाड़ी, अगर ये कोई भी बड़ी टीम भी होती तो वो प्रेशर में आ जाती, लेकिन नेदरलैंड्स प्रेशर में नहीं आई, और उसके बाद दे वेंट ऑन टू स्कोर 245 रन्स। उनके 7 आउट थे, 8 ओवरों में उन्होंने 90 रन्स दिए हैं साउथ अफ्रीका ने, जो सबसे जो क्वेश्चनेबल बात है कि 8 ओवर्स में साउथ अफ्रीका जैसी बॉलिंग जो सबसे स्ट्रांग हम समझते थे कि उसकी बॉलिंग है, उन्होंने 8 ओवरों में 90 रन्स दिए हैं, 7 आउट उनके थे
और इन्होंने इसमें कोई शक नहीं कि उनका कैप्टन ये नेदरलैंड्स की बैटिंग इस वक्त आपको नजर आ रही है। इनके जो कप्तान है स्कॉट एडवर्ड्स, उन्होंने 78 रन की इनिंग्स खेली है और वो आउट नहीं हुए हैं। 69 गेंदों का उन्होंने सामना किया है, 78 रन उन्होंने स्कोर किए हैं और ये जो बॉलिंग है ये साउथ अफ्रीका की कंसिडर की जाती है कि वो वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड, लेकिन उसके बावजूद भी दे वेंट ऑन टू स्कोर 245 रन फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स इन 43 ओवर्स। मतलब ये बहुत बड़े स्टैट्स हैं। नहीं, आज देखें साउथ अफ्रीका की बॉलिंग में और इनकी बॉलिंग में देखें, इन्होंने अपनी लाइन नहीं छोड़ी, इन्होंने ये नहीं किया आके कि बाउंसर करते रहे या स्लो, बहुत ज़्यादा स्लो बॉल की है आज साउथ अफ्रीका ने। और स्पेशली आखिरी ओवर्स में तो हम बैठ के यही बातें कर रहे थे, मैं और यार ये क्या बॉलिंग कर रहे हैं, मतलब उनको आप देखें कि उन्होंने सिर्फ एक अपनी लिमिटेशन में रह के एक जगह बॉलिंग की है और वो विकेट खुद विकेट का बिहेवियर नो डाउट के थोड़ा। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट स्कॉट एडवर्ड्स जो उनके कप्तान थे, 78 रन को उन्होंने नॉक खेला और वो आउट नहीं हुए, व्हाट डू यू थिंक? नहीं, उस पर इससे बेहतर इनिंग हो ही नहीं सकती, इतने प्रेशर में 7 आउट होने के बावजूद भी वो अकेला बंदा टीम को लेकर निकल गया है। मतलब उसके मेरे ख्याल उसने आखिरी ओवर में जो फेंटी लगाई है इनको, मेरे ख्याल कोई भी बैट्समैन हो उसकी जितनी हम तारीफ करें कम है, उसने बहुत अच्छी इनिंग खेली और ये मुश्किल टाइम में उसने देखे ना 7 आउट पे वो अकेला लेके चला गया, तो ये उसकी वो आप छीन तो नहीं सकते जो नहीं, उसने एब्सोल्युटली नॉट सर। देखिए, मेरा ख्याल है कि ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, क्योंकि मैं इनको क्लोजली वॉच करता रहा, जो क्वालिफाइंग राउंड हुआ था उसमें इन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 280 रन चेस किए थे जब इन्होंने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया था, तो उसमें भी इनके 7 या 8 प्लेयर्स आउट हो चुके थे। उसके बाद डी लीड्स और जो उनके कैप्टन है जिन्होंने 878 रन की, स्कॉट एडवर्ड, उन्होंने 120 रन की पार्टनरशिप करके वेस्ट इंडीज के खिलाफ 280 प्लस रन चेज किए थे। तो इसका मतलब है कि ये ओवरनाइट नहीं है और ना ही ये कोई एकदम इसको आप कह सकते हैं कि कोई फ्लूक है, वो उनको एक हैबिट डेवलप हो चुकी है और बड़ा अच्छा इनका कम्बिनेशन है। ये लास्ट जो 11 तक ये फाइट करते हैं और ये आज भी उन्होंने वही चीज़ साबित की जब 83 for 5 थे, उसके बाद 8 ओवर में आखिरी इन्होंने 90 रन की है और बड़ा अच्छा इन्होंने जो इनके स्पिनर ऑफ स्पिन आर्यन डत, उन्होंने कोई 9 बॉलों पर 23 रन किए और बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और स्कोर 245 करने में हेल्प आउट किया इनको। तो मेरा ख्याल है कि इनको एक हैप इनका मोमेंटम बहुत अच्छा बना हुआ है इनकी जो। अच्छा, ये मुझे बताइए टर्निंग पॉइंट क्या रहा? देखिए, टर्निंग पॉइंट यही था जब 83 for 5 थे और उसके बाद जो इनकी पार्टनरशिप डेवलप हुई है। एक और चीज़ भी है रऊफ के, इनकी ये जो जिनको हम बकौल हमारे आज के बाद कहना मेरा कल बंद कर दी, जो वीक टीम्स हैं इनके ऑलराउंडर्स ही ज़्यादा खिलाते हैं। इनकी बैटिंग आखिर तक इसलिए ज़्यादा, आप जो बात कर रहे हैं ना कि ये हमेशा नीचे से इनके बैट्समैन, आप शुरू में भी ये मुझे याद है आप कह रहे थे कि इनके नीचे के बैट्समैन देखिएगा कितने अच्छे खेलते हैं, क्योंकि ये खेलते हैं ऑलराउंडर्स के साथ ज़्यादा कि बैट्समैन और बॉलिंग दोनों में काम कर सकें, इसीलिए ये जो है ना टीमें ये ज़्यादा इसीलिए आपको नीचे बेहतर खेलती हुई नज़र आती हैं। और जिस दिन इनका दिन होता है ये स्कोर करते हैं तो फिर अच्छी टीम को ये वो फंस जाती है। ऑलराइट जी, जब वापस आते हैं तो हम सुनेंगे एक हॉरर स्टोरी, जब बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 62 रन से हराया था 1999, आई वांट टू टॉक अबाउट इट। और साथ साथ जब वापस आएंगे तो डेमो है बॉलिंग का भी बैटिंग का भी, क्या चीज़ सही हुई क्या चीज़ गलत हुई, क्या करना चाहिए था क्या नहीं करना चाहिए था, ये सब है और आपकी टेलीफोन कॉल्स इस ब्रेक के बाद। ब्रेक बैक जी, वंस अगेन वेलकम बैक। और एक ऐलान है हमारे पास, प्लीज विजिट www.sparks.pk एंड बाय स्पार्क्स स्मार्टफोन्स एक्सेसरीज थ्रू द वेबसाइट एंड गेट अ चांस टू विन ग्रैंड प्राइज थ्रू अ लकी ड्रॉ ऑन वर्ल्ड कप फाइनल। अगर आपको एक्सेसरीज लेनी है, स्मार्टफोन्स लेने हैं, स्पार्क्स से स्मार्टफोन्स लेने हैं, तो आपको इनकी वेबसाइट पर जाना पड़ेगा www.sparks.pk और वहाँ लकी ड्रॉ में आप शामिल हो जाएंगे जब भी उनकी चीज़ें खरीदेंगे और आपको एक बहुत बड़ा ग्रैंड प्राइज मिल सकता है ऑन द डे ऑफ द फाइनल। अब आते हैं हम सलीम भाई की तरफ एंड ऑफकोर्स अब्दुर्रऊफ की तरफ। ये बताइए जी, आज हम ये नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं डेमो का, तो प्लीज़ मुझे डू टेल कि किस तरह से क्या आज गलतियां क्या हुई हैं बैटिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं साउथ अफ्रीकन बैटिंग की, वहाँ पर क्या गलतियां हुई? बड़े बड़े प्लेयर्स खेले थे, डिकॉक खेल रहा था, मिलर खेल रहा था कहीं, और मिलर ने तो 43 स्कोर भी किया, तो क्या आपको क्या लगता है कि कहाँ कुछ गलत हुआ है? देखें, इंटरनेशनल क्रिकेट में ना आप गलतियाँ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपने डिसीजन लेना होता है और गलतियाँ होती हैं जब भी आप मैच हारते हैं, तो आप इंटरनेशनल प्लेयर को
कोच नहीं कर सकते। इन अ सेंस आप उनको मशवरा दे सकते हैं कि यार ये छोटी सी गलती जो होती है उसको अगर ठीक किया जाता तो बेहतर हो सकता था। तो आपका ये कहना कि आप उनको कोचिंग करेंगे, मेरे ख्याल वो बहुत ही बहुत अजीब लगेगा ना, कि एक इंटरनेशनल प्लेयर को आप बता रहे हैं उनके पास इतने कोचेज होते हैं। हाँ, ऑन अ डे जो उन्होंने गलती की उस पिच के लिहाज से, उसको आप बता सकते हैं कि यार ये थोड़ा सा इनसे मिस्टेक हुई है। हाँ। और मैं शुरू से एक चीज़ कह रहा हूँ कि बहुत सारे जो बैट्समैन हैं ना, स्पेशली स्पिनर्स पे, आज तो खैर फास्ट बॉलर पे भी बहुत सी गलतियाँ की। अच्छा एक बात है सलीम भाई, आज सुबह से बारिश हो रही थी, फिर बारिश रुकी है। अच्छा, हम जब बात कर रहे थे तो टॉस की बड़ी अहमियत थी आज। हाँ। जिस टीम ने भी जीतना था टॉस, उसने हर सूरत के अंदर, किसी भी सूरत के अंदर वही फैसला करना था जो उन्होंने किया। ठीक है, उसने बॉलिंग ही करनी थी, उसने और कुछ नहीं करना था उस विकेट पे, और कुछ भी नहीं हो सकता था। हल्की हल्की ग्रास भी उस विकेट पे मौजूद थी। सो टेल मी, जो टॉस है वो कितना इसमें बेनिफिशियल रहा है नेदरलैंड्स के लिए? देखिए, टॉस ही बेनिफिशियल रहा है उनके लिए। उसकी रीज़न ये मैं आपको बताऊँ, मैंने वहाँ आपको बताया था कि सुबह के टाइम ना कई दफ़ा आप कैप्टन जो होता है ना, वो पिच को देख के मिसजज कर जाता है कि यार ये पिच ग्रीन है, बारिश हुई है और शायद इस पे ज़्यादा हो, मगर होता उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। जो आज जो हमें नज़र आया, आई डोंट नो, उसमें बहुत सारी गलतियाँ हमें ये भी नज़र आई कि उन्होंने बहुत शॉर्ट पिच बॉल की, मगर होता क्या है, जब आप सॉफ्ट विकेट होती है ना, सॉफ्ट विकेट, उस पर जब बॉल पड़ती है तो वो थोड़े से खड्डे से हल्का सा ना वो निशान छोड़ती है। जैसे विकेट सूखती है वो हार्ड हो जाती है, और जब वो हार्ड होती है तो देखें ना, वो पैच बना होता है, उस पर जब बॉल पड़ती है ना तो वो फिर अनइवन सी, थोड़ा सा उसका विकेट जो है ना बिहेवियर चेंज कर देती है। पर आज अगर आप देखें, उनकी पेस इतनी ज्यादा नहीं थी। हाँ, बिल्कुल नहीं थी। उसके बावजूद विकेट कीपर यहाँ भी बॉल पकड़ रहा था और थोड़ा सा बॉल नीचे भी आ रहा था, जिन पे बोल्ड तो वो फिर सेकंड बैटिंग वाले को मुसीबत पड़ती है। आज साउथ अफ्रीका को बहुत मुसीबत पड़ी इस पे, इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने गलतियां भी बहुत की। कुछ प्रेशर कुछ देखिए, मैं स्पिनर के बारे में हमेशा कहता हूँ कि इन विकेटों पे ना स्पिनर जो बैट्समैन है वो स्पिनर पे बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ, बहुत सारे आज उनके कप्तान को ले लें, उसने वो वार्नर को देख लें, मैं वार्नर को बहुत दफा मैं पिछले भी कह चुका हूँ, नहीं मैं साउथ अफ्रीका के बैट्समैन, ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन की बात कर रहा हूँ, ये डेविड वार्नर अर्ली ऑन स्पिनर को ना मोस्टली बैट्समैन मैंने देखा है कि वो यहाँ खड़े रहते हैं, आगे बॉल गिरी होती है, हाँ। नया बॉल होता है, कई दफा आप जज करते हैं कि ये ब्रेक होएगा। आज अगर आप उसको, उनके कैप्टन को घूमा उसको अगर आप देखें तो वो यहाँ खड़ा रहा है, वो खेलने जब आप जब उसको फ्रंट फुट पे नहीं खेलते, अगले यहाँ जो बॉल गिरा है उसको आप फ्रंट फुट पे नहीं, आगे जाके खेलना आपको फ्रंट फुट पे खेलना पड़ेगा। हाँ, अगर हाँ, आप फ्रंट फुट पे नहीं खेलेंगे, यहाँ खड़े रहेंगे तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। ओके, क्योंकि आप उसको आज उसको देखें, इतना बड़ा गैप था, वो उसको स्पिन खेलने गया, बॉल अंदर आई, उसको टाइम ही नहीं मिला। जब आप आगे जाके फ्रंट फुट पे खेलेंगे तो डेफिनेटली हो क्या रहा है कि फ्रंट फुट बहुत कम मैं देख रहा हूँ आजकल की क्रिकेट में, क्योंकि T20 की वजह से लोग अपना फुटवर्क यूज नहीं कर रहे। जितनी देर आप स्पिनर को आप उसको डराएंगे नहीं कि आप निकल रहे हैं, या आप उसको थोड़ा सा डॉच नहीं करेंगे जिसको कहते हैं, वो अपनी लाइन चेंज नहीं करेगा। जब उसको पता है कि आपने खेलना ही बैक फुट पे है मुझे, तो उसमें फिर बैट्समैन के लिए। अच्छा, कुछ प्लेयर्स थे साउथ अफ्रीका के जो क्लीन बोल्ड हुए। अच्छा, बॉल बिल्कुल सीधी आई है, टर्न नहीं था बॉल के अंदर, बहुत मामूली सी उसने टर्न लिए, लेकिन अगेन गलती क्या की उन्होंने? देखिए, एक तो बहुत सारे बैट्समैन उनके ना अगली वाली बॉल को वही मैं कह रहा हूँ कि जो आज मिलर ने या दूसरे बैट्समैनों ने जो बॉल कट खेलने वाली थी वो उनको पुल खेलने के चक्करों में रहे, मैरिट पे नहीं खेला, जिसको आप कहते हैं ना मैरिट पे खेलना, कि जिस तरफ बॉल है उस तरफ नहीं खेला, और फिर वो बैकफुट पे एक ही जगह स्टक हो जाते हैं और फिर वहीं खेलने की कोशिश करते हैं और लाइन सही। देखें, मैंने जैसे मैंने पहले कहा ना कि इसमें फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपने डिसीजन लेना होता है, और ये ज़रूरी नहीं है, इंटरनेशनल प्लेयर बहुत बड़े प्लेयर भी गलती करते हैं। तो मेरे ख्याल आज जाहिर है मैच का प्रेशर आज होता है, उनका दिन नहीं था। हाँ। मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, आज उनका दिन नहीं था और वो लाइन शायद मिस जज कर। आई थिंक सबसे बड़ी बात ये, और मैं रऊफ से पूछूंगा, सबसे बड़ी बात ये कि साउथ अफ्रीका का बॉलिंग अटैक बड़ा कमाल है।
साउथ अफ्रीका का बॉलिंग अटैक अगर बड़ा कमाल है तो उन्होंने 240 रन, मैं आपको ये बॉल दे रहा हूं, मैं आपको देना चाहता हूं और मैं समझना चाहता हूं कि 245 रन आपने दिए कैसे हैं, आई मीन व्हाई एंड क्यों, किस लिए, रीजन क्या है? अच्छा, इसमें जो सबसे बेसिक चीज इसका सलीम भाई और मजे की बात है, एक बात मुझे कंप्लीट करने दें, और बैट्समैन भी नेदरलैंड्स के थे, ये भी नहीं था कि आप इंडिया के टॉप ऑर्डर को फेस कर रहे हो, या ये भी नहीं था आप ऑस्ट्रेलियन टॉप ऑर्डर को फेस कर रहे हो, योर पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर को फेस कर रहे हो, योर फेसिंग रिलेटिवली न्यू टीम, अ नोवेस टीम जिसको बहुत ज्यादा क्रिकेट सेंस अभी डेवलप हो रही है। देखिए, जिस तरह सलीम भाई ने बिल्कुल एग्जैक्टली बताया कि एक नॉर्थ में मैच हो रहा है धर्मशाला में और हिल स्टेशन है, वहाँ पे ओवरकास्ट कंडीशन थी, बारिश हो रही थी। अब होता क्या है कि जब ओवरकास्ट कंडीशन में बारिश हो रही हो तो उसमें मॉइस्चर आ जाता है पिच में और डंपनेस आ जाती है, डंपनेस की वजह से ये होता है कि जो पिच है उसका बिहेवियर थोड़ा सा स्लो हो जाता है, जब तक धूप नहीं पड़ती या रूल नहीं होता वो तेज़ नहीं होती और बॉल स्किट नहीं होता, बॉल थोड़ा सा रुक जाता है। अब इस चीज़ को मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा जो उनके कैप्टन थे या बॉलर्स थे वो जज करने में या पिच को रीड करने में मेरा ख्याल है कि फेल हुए हैं थोड़े से, क्योंकि जो उनके मेजर बॉलर जैसे नगीडी है या रबाडा है, जॉनसन ने तो अच्छी बॉलिंग की है क्योंकि एक लाइन एंड लेंथ पे वो हिट करते रहे, मगर जो दो मेजर बॉलर जो काफ़ी अरसे से 5-10 साल से खेल रहे हैं साउथ अफ्रीका के, वो इसको प्रॉपरली रीड नहीं कर सके, उन्होंने टू शॉर्ट बॉलिंग की। हालांकि जब डंपनेस होती है, मॉइस्चर होता है और आपको बॉल निकल ना रहा हो तो आपको ज्यादा से रुक के आ रहा हो तो आपको बॉल गुड लेंथ पे आगे बॉल करना चाहिए और एक ही जगह पे करना चाहिए। मिस्टेक क्या कर रहे थे, क्योंकि अर्ली ऑन मैंने देखा कि इन्होंने टू शॉर्ट बॉलिंग की ऑफ साइड द ऑस्टम और जो बैट्समैन थे उनको इन्होंने विथ दिया और वहां पर इनको आप देखें पॉइंट और कवर की तरफ काफी ज्यादा स्कोर हुआ। फिर जब ये मिडल में आए और लास्ट में आए तो इन्होंने बिल्कुल स्लो बॉलें और लेग साइड पे बॉलिंग शुरू कर दी तो इनको ज्यादा रन्स हुए मिड विकेट और स्क्वेयर की तरफ कंसीड हुए। तो अब जो आप दूसरा जो नेदरलैंड की अगर बॉलिंग देखें तो उनकी स्पीड इतनी ज्यादा नहीं, सबसे पहले तो ये बताइए ना उन्होंने बॉल पकड़ी कैसे थी। देखिए बॉल ना, आई जस्ट वांट टू नो, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, क्रॉस द सीम बॉल, क्रॉस द सीम, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। देखिए बॉल, हर जो बॉलर होता है उसकी अपनी ग्रिप होती है, हर एक के डिफरेंट बायोमैकेनिक्स होते हैं, तो इसमें जो सीम बॉलिंग के लिए ग्रिप तो बेसिक यही ग्रिप है कि आपने बिल्कुल सीधा सीम रख के पकड़ना है, जो आपका ये थंब अंडरनीथ होना चाहिए और जो फिंगर्स हैं ये आपकी सीम के ऊपर होनी चाहिए, तो ये मगर उसके अलावा जो अगर बायोमैकेनिक्स सारों के डिफरेंट होते हैं, बॉडी पास डिफरेंट होते हैं तो हर एक की अपनी अपनी ग्रिप होती है, मगर अब जो बेसिक चीज जो जिस तरह आप सलीम भाई ने कहा कि जो नेदरलैंड के बॉलर थे वो क्यों सक्सेसफुल रहे हैं, उनकी जो पेस थी वो 125 से 130 तक थी, मगर उन्होंने अपना चैनल नहीं छोड़ा, उन्होंने एक गुड लेंथ से हिट करना शुरू किया और उन्होंने जो साउथ अफ्रीकन टॉप ऑर्डर था उनका बिल्कुल चांस ही दिया खुलकर और जो अपने बाजू खोलने का, इस वजह से वो ज्यादा सक्सेसफुल। और जी लेकिन 38 रन से नेदरलैंड्स ने फतह हासिल की है, ये बहुत बड़ी बात। एक छोटे से ब्रेक है, ब्रेक के बाद एक हॉरिफाइंग स्टोरी, कुछ चीजें और कुछ बातें इंडियन क्रिकेट बोर्ड के हवाले से और कुछ बातें पीसीबी के हवाले से, पाकिस्तानी टीम के हवाले से, ब्रेक के बाद। और आई जी वेलकम बैक। दो सवाल मेरे, पहला सवाल सलीम मलिक साहब से, सर किसी बॉलर से कभी डर लगा? देखें ये डिपेंड करता है विकेट पे, कई दफ़ा ऐसा होता था कि जैसे अनइवन विकेट आ गई है तो आपसे आपको एक हल्का बॉलर भी मुश्किल लगता था। हाँ अगर आप वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेल रहे हैं तो उनके जितनी देर आप वॉक करके जा रहे होते हैं ना पिच पे, उससे पहले दुनिया का कोई भी बैट्समैन अगर उसके दिल में खौफ होगा कि पता नहीं क्या होना है, जितनी देर तक आप एक दो ओवर्स नहीं खेलते वो डर आपके अंदर रहता है, जैसे ही आप बॉल खेलते हैं ना उसके बाद फिर आपको डर निकल जाता है, खत्म हो जाता है, मगर डर जरूर रहता है जितनी देर आप वॉक करके जा रहे होते हैं कि यार पता नहीं क्या होएगा। और स्पेशली फिर स्पिन विकेट के लिहाज से अगर आप आ जाएं तो ये दुनिया के जितने भी बड़े स्पिनर थे, आपको परेशान कौन करता था, स्पिनर्स परेशान करते थे या पेसर्स? देखें ये डिपेंड करता था पिच विकेट पे, विकेट अगर सीम कर रही है तो फिर हल्का बॉल, मदन लाल भी वो हमें कई दफा मुश्किल बहुत करते थे हालांकि उनकी पेस नहीं थी, मगर जब विकेट आपको सूट करती थी फिर मार्शल भी तंग नहीं करते थे, तो ये डिपेंड करता है पिच के बिहेवियर पे कैसे। कभी किसी को बॉलिंग कराते हुए डर लगा? जी बिल्कुल, एक दफा हम हांगकांग में सुपर सिक्स खेल रहे थे तो वहाँ पे ब्रायन लारा का सबसे पहले इंग्लैंड से मैच था, तो उसमें एक ओवर में उन्होंने 6 छक्के लगाए थे, इंग्लैंड के फास्ट बॉलर थे उनको, तो नेक्स्ट मैच हमारा था और उस वक्त थोड़ा सा प्रेशर था कि कहीं यही स्लूक हमारे साथ ना हो, मगर अल्लाह का शुक्र है कि बचत होगी, एक ही छक्का लगा था उसके बाद आउट हो गए। हां जी, आज टीम पाकिस्तान जो है वो एक प्रोटेस्ट पे चली गई और उसकी प्रोटेस्ट की वजह ये थी कि उन्होंने कहा है कि जी हमारे साथ बर्ताव जो है वो ठीक नहीं हो रहा है,
और उसके बाद पीसीबी ने एक ईमेल जो थी वो अर्जेंट निकाली इस प्रोटेस्ट पे जो उन्होंने आईसीसी को दी। प्रॉब्लम्स बेतहाशा हैं, ये भी कहा जा रहा है कि इतना बड़ा स्टेडियम जो है, जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है जो अहमदाबाद में है, गुजरात में है, वहाँ पर थेफ्ट के, सिक्योरिटी के बहुत सारे इशूज़ हैं। बहरहाल हाउ डू यू सी इट कि पाकिस्तानी टीम ने आज ज़रा ये कह रहे हैं कि उन्होंने, अब आई डोंट नो कि इसमें कितनी सदाकत है या नहीं, लेकिन ज़रा ये कह रहे हैं कि उन्होंने आज ट्रेनिंग सेशन से इनकार कर दिया था। और फिर उसके बाद पीसीबी ने एक अर्जेंट ईमेल जो है वो निकाल के आईसीसी को भेजी, एंड आई थिंक इट गॉट रिजॉल्व्ड। क्या कहते हैं सर भाई? ये तो एक्सक्यूज़ हैं, आप खेलने जा रहे हैं अपनी क्रिकेट, आप जाके अगर ये कहें कि जी हमें वो बंदा बुरा लग रहा है, वो हमें गुस्से से देख रहा है। देखें, हम क्वार्टर फाइनल खेलने गए थे, मैं बहुत दफ़ा सुनवा चुका हूँ, हम क्वार्टर फाइनल खेलने गए ना तो बाल ठाकरे उनके उस वक्त जिंदा थे, तो वो बड़ा, उनका आपको पता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का होल्ड था। तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान टीम को मैं देखता हूँ, पाकिस्तान टीम यहाँ कैसे खेलती है। लोग बहुत डरते थे, हम जब ग्राउंड में जा रहे थे तो इतना हमें डराया गया था कि तीन कोचेज जा रही थी, एक जिसमें हम बैठे थे, दो हमारे साथ थी, और पीछे बेतहाशा गाड़ियाँ थी, और हमें हमारे कमरे के बाहर लोग बिठाए हुए थे। तो बात यह है कि हम उस वक्त भी खेले, फिर आप जब ग्राउंड में जाते हैं लोग आपको बोतलें मारते हैं। क्या ग्राउंड में ऐसे क्राउड रिएक्ट करता था? हमारे देखें, जब बहुत ज़्यादा करता है, देखें ये उनका है, नेचर में है, जब आप पाकिस्तान, हम भी करते हैं, जब पाकिस्तान में टीम आती है बहुत हूटिंग होती है, आपको बुरा भला कहा जाता है, बहुत कुछ गंदी जुबान भी इस्तेमाल करते हैं लोग। पर आप उन चीज़ों से डर के अगर अपनी परफॉर्मेंस को छुपाने की कोशिश करें, जी हमसे खेला नहीं जा रहा, मेरे ख्याल ये एक्सक्यूजेज हैं, ये नहीं होना चाहिए। आपको दिलेरों की तरह जाना चाहिए, हमारी पाकिस्तान की टीम है, आप शेर हैं, आप हम आपको कहते हैं कि यार हमारी आप पे फखर है, हमें यार बिल्कुल फखर है आपको। देखिए बाकी सारी बातें छोड़ के आई एग्री विद हिम कि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, छोटी मोटी बातों को अपने दिल में जगह ना दें। आई नो सिक्योरिटी के जो तो हर जगह हैं और हमेशा हैं, और जाहिर है व्हेन पाकिस्तान इज प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया तो फिर जो जज्बात होते हैं वो दोनों तरफ उसी तरह के होते हैं। बिल्कुल ठीक है, अगर उन्होंने इस किस्म की कोई लैंग्वेज इस्तेमाल की है, यू हैव टू राइज अबव द बार, आपको उस बार से ऊपर रह के बहुत डिग्निफाइड तरीके से इतना अच्छा करें, इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह करेंगे, जवाब दें, आपका जज्बा और होना चाहिए। मैं आपको बताऊं कसम से साहिर भाई, जब हम खेला करते थे ना, जब इंडिया के साथ मैच होता था ना, तो हम क्रिकेट नहीं खेलते थे, हम फाइट करते थे कि यार हमने यहाँ से जीत के जाना है। आप देखें कि हम कितने मैचेस उनको उनके हाँ जीत के आए थे। बिल्कुल, तो ये चीजें जो है ना, हमें हमारी टीम में इतनी एबिलिटी है, बहुत बड़े बड़े नाम है हमारे, और हमारे में हम जीत सकते हैं, क्यों नहीं जीत सकते? इन चीजों को बीच में लाना ही नहीं चाहिए, हम उनको जवाब दें ग्राउंड में, उनकी ग्राउंड में जीत के। और ये जज्बा होना चाहिए, क्या पता यू नो हम सेमीफाइनल के अंदर दोबारा उनसे मिलें, और इंशाल्लाह ताला हम उनको बीट करें उसी जगह। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट बिलीव कि हम सब कुछ कर, हम सब, और तुम यार तुमसे तो प्यार है, हम सबको प्यार है, पाकिस्तान आप पे फख्र करता है, हम जान देते हैं आप पे, आपको नहीं पता, आप लोग ग्राउंड के अंदर होते हो, मैं आपको इससे बड़ी, मैं आपको क्या बात बताऊं, ये बड़ी अनरीजनेबल सी बात है कि एक बॉल है और 50 रन है और मैं फिर भी ये कहूं कि पाकिस्तान ने जीतना है। बट आई स्वेयर टू माई गॉड, आई किड यू नॉट, मुझे पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत है और उसके नाते आपसे ऐसी मोहब्बत है कि आप इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी थिंग, वो एक मैच था इंडिया का, खत्म हो गया, एंड दैट्स अबाउट इट, मूव ऑन। और हमको बड़ा डिग्निफाइड होके, बड़ा फोर फ्रंट पे आके, और हमको ये कहना कि नहीं कोई बात नहीं, हमने एक मैच के अंदर बैड परफॉर्मेंस दिया, हम आगे दिखाएंगे कि हम कौन लोग हैं, एंड वी कैन डू इट, यू कैन डू इट, सबसे बड़ी बात ही वी ट्रस्ट यू एंड वी लव यू एंड यू कैन डू इट, यू कैन डिलीवर दैट, जो पैशन है दैट शुड यू नो मेक श्योर दैट द गेम इज सेलिंग थ्रू। जी बिल्कुल, आप देखेंगे मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की टीम अगर पॉइंट्स टेबल पर देखें तो नंबर 4 पर मौजूद है। यस, वी आर दो मैचेस पाकिस्तान जीत चुका है, और मेरा ख्याल है कि पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा फाइट बैक किया है। उसके अलावा जो आपने न्यूज दी है, मेरा ख्याल है कि इसके बारे में थोड़ी सी मुतजाद इतलात ये है कि बाज़ ज़राए कह रहे हैं कि कोई वायरल इन्फेक्शन है, 2-4 प्लेयर्स उसमें थोड़ा सा है, उनको वायरल इन्फेक्शन, इस वजह से पाकिस्तान टीम ने अपनी जो प्रैक्टिस, मुझे भी नहीं लगता, ऑनेस्टली मुझे भी नहीं लगता कि कहीं ना कुछ, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह का कोई बड़ी सिचुएशन होगी कि जिसमें पाकिस्तान टीम ने प्रोटेस्ट के तौर पर अपनी प्रैक्टिस मुअत्तल कर दी, इस तरह कभी सुना नहीं है ना कभी हुआ है। आई डोंट थिंक, मैं भी कभी कभी सोच रहा हूँ कि जो ज़राए हैं ना इनको कन्फर्म कर लिया जाए, लेकिन फिर भी अगर इवन एक % भी ये बात है, नॉट टू वरी, यू गाइज आर आर हीरोज, हमारे हीरोज हैं आप, हमारे यू शुड स्टैंड टॉल एंड हम आपके साथ खड़े, इट डजंट रियली मैटर। सर मुझे नहीं लगता कि मुझे भी नहीं लगता किस्म की बात करते होंगे, क्योंकि मैंने नहीं कभी सुना कि प्लेयर ये कहें कि जी मैं
मुझे उसने देखा है। अच्छा जी, प्रिडिक्शन कल के लिए न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान, हु इज विनिंग? जल्दी जल्दी। वैसे तो देखे जी, मेरी फेवरेट न्यूजीलैंड है, बाकी देखे फेवरेट न्यूजीलैंड ही है। हमें इजाजत दीजिए, प्रोग्राम कुछ भी हो सकता है इसे, और कुछ भी हो सकता है। आपसे मिलेंगे कल सुबह 1 बजे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।